टू फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल सब लोग कैसे हो उम्मीद करती तुम्हें सब लोग से का टिकट खुशपाश होंगे तो आज जो है सब को चांद रात मुबारक हो आप सबको मेरे व्यूवर्स को और मेरी पहली पहली चांद रात है यहाँ पे मेरे ससुराल में अभी तक जो है ना ना मेहंदी लगी है ना शीर कौरवा बना है ना ही कोई घर के काम वाम हुए सब कुछ पेंडिंग में ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि हम लोगों को ये था कि तीस रोजे क्या पता पूरे हों और अचानक से बस अनाउंस हुआ वो क्या कहते हैं मैंने न्यूज़ देखी ना तो वो लोग लाइव आए हुए थे एंड उन्होंने अनाउंस किया कि चांद नज़र आ गया है और मैंने बोला ओ चंद नजर आ गया भाई कल ईद तो अब जल्दी जल्दी जो है ना मैंने अपने कपड़े निकाले ये मैंने ना रात को पहनना है ये वाला ड्रेस ये वाला मेरे दिन में पहनना है तो जो है उसके बाद तो अभी अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं सारे के सारे फिर मैंने सोचा अभी जो है ना थोड़ा सा काम निपटा कर बाहर से आ जाओ मेहंदी वगैरह लगवा कर और अभी आज रात को सारा रात जो है ना वो सारी रात मतलब रजा होगा सुबह मैं ईद की नमाज़ अदा करने जाऊँगी और आप लोगों के साथ मतलब सब कुछ शेयर करूंगी खैर अभी जो है मेरी फर्स्ट ईद तो फर्स्ट चांद रात किस तरह से गुजरती है अभी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ लेकिन अभी अब मैं बाहर जा रही हूँ बाहर जा रही हूँ और बाहर किस तरह से रश हो रहा है रोने के लगी हु वो भी आप लोगों को सब कुछ दिखाती चलती है चलती हैदराबाद में चांद रात को किस तरह से रोने के लगी हुई होती है चले चलते हो चुकी हूँ मैं रेडी मैंने नकाब वगैरह भी लगा लिया है और अब चलते हैं बाहर लगी हुई है मेरी मेहंदी जो मुझे ईद पर आई थी So, ये वाली मैं मेहंदी ले जाती हूँ क्या पता वो नखरे करे थैंक यू जदाकल्ला शुक्रिया <laughs> पानी पीते हैं आपका ने आज आपको लिया। अच्छा क्या नाम है आपका नूरल हुदा क्या नूरल हुदा नूरल हुदा अरे वाह वही बड़ा अच्छा नाम है मेहंदी लगवा लिया आपने कल ईद है ईद मुबारक सबको ईद मुबारक बोल दो अच्छा ओके बाय बाय कर दो सबको <laughs> मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये चल रही है बार बार मैं मैं यहाँ पर उतरी हूँ मे, मेरे ना सब्सक्राइबर्स मिल हैं बाहर कंट्री के साथ में नकाब <laughs> में भी पहचान लेते लोगों की मोहब्बत ओके <laughs> okay, दीवीवर्स तो हम दोनों यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर ना आ, मतलब मैं आई ना तो मैंने सोचा था कि मार्ट में ना बहुत ज़्यादा रश हो रहा होगा और मतलब शायद चलने की जगह ना हो लेकिन मैंने फिर भी बोला कि चलो फिर भी हम लोग देख लेते हैं विजिट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक गिफ्ट लेना था आ, जो कि खुबैप के लिए लेना था और यहाँ पे मैंने टॉयज़ देखने के लिए आई थी पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ख़रीदूँ तो ख़रीदूँ क्या समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिया जाए और मतलब ज़ाहिर वो छोटा है अभी तो ये हो रहा था कि उसको ना खिलौनों से ज़्यादा ना और चीज़ों में इंटरेस्ट होता है लाइक अपना जो है उसके घर के बर्तन हो गए या किसको जो है पानी प्लास्टा की कोई चीज़ दे दो इस तरह की चीज़ों में बड़ा उसका शौक़ है लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि कुछ दे दूँगी तो ज़रूर लेकिन जो है यहाँ पर मैं देख रही थी तो हमने एक दूसरे के एडवाइस से जो है ना एक चीज़ ले तो ली थी वो आप लोगों में दिखाती हूँ आगे भी लेकिन मैंने सोचा था कि मार्ट में बहुत ज़्यादा रश होगा और मार्ट में रश था भी बहुत ज़्यादा बहुत ही जो है ना जाहिर चांद रात थी तो चांद रात की वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है बहुत सारी जगहों पर और बल्कि बाज़ारों में हर जगह रौनक लगी हुई होती है माशा से तो हुआ क्या कि मतलब ये ग्रॉसरी वाला जो पोर्शन होता है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और क्रॉकरी और ये टॉयज़ वाली पोर्शन में इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था बाकी जो है ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था जहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह मिलती है वहाँ तो चलने की भी जगह नहीं थी तो वहाँ तो इतना रश हो रहा था कि मैंने वीडियो भी बनाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाम थी और कोई कैमरे में आ जाए तो इस तरह से जो है ना मुझे मुनासिब नहीं लगा उसके बाद जो है ना फिर मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और मैंने कहा कि यार मुझे मेहंदी लगवानी मैं आ रही हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी दोस्त अरिका के घर आ गई हूँ जिसने जो है ना मेरे फटाफट जो है ना मेहंदी लगाना शुरू करी और इतनी अच्छी मेहंदी लगाई इतने मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह तेज़ी से उसने हाथ चलाया कि तकरीबन तकरीबन आधे घंटे में, में मेरे हाथ पाँव में इसने जो है मेहंदी लगा दी थी, थी बहुत बेहतरीन तरीके से और ये था कि यही आ, मतलब अरिका ने जो है ना मेरी शादी पर भी मेहंदी लगाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी थी तो जी मैंने अरिका से लगवाई थी और अब जो है ना मैं अपनी ईद पर भी फर्स्ट ईद पर मेहंदी लगवाने इधर ही आई थी मुझे कहीं पर जो है ना बाहर सलोन में जाना या कहीं टेंट वगैरह पर बैठ कर मेहंदी लगवाना मुनासिब नहीं लग रहा था और फिर मैंने बोला यार जब जा मेरी दोस्त है तो फिर मैं और जगह क्यों जाऊँ तो मैंने एक ही इसको कॉल करी उसने बोला बस फ़ौरन आ जाओ और जो है उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई और हम लोग जो है ना बातें बातें करके अच्छी सी हमारी कंपनी भी हो गई और काफ़ी दिनों बाद हम मिले भी इसी बहाने जो है ना गेट टुगेदर भी हो गया और मैं काफ़ी टाइम बाद इसके घर भी आई और ये हुआ कि हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें भी करी शादी के बाद से अब मैं इसे मिलने आई थी यहाँ पर मतलब अब मैं मिली थी इससे और दूसरा ये कि जो है ना यहाँ पर बस मेरा काम भी हो गया मेहंदी भी लगी और इतनी प्यारी मेहंदी लगाई कि बस क्या ही बताया जाए वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला क्योंकि जो है गैदरिंग uh, में बात करते करते जो है ना बिल्कुल पता नहीं चला कि मेहंदी भी लग गई है अगर मैं बाहर जाती रश मुझे बहुत देर तक बैठना पड़ता और भी बहुत सारे मसले मसाइल खैर आप लोगों ने जो है ना कहाँ सी मेहंदी लगवाई और किस तरह सा एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्योंकि मैंने देखा है होता यूँ है कि आप जब टेंट या में या कहीं किसी सलोन में मेहंदी लगाने जाते हो तो आपके एक हाथ में मेहंदी लगाती है देन वो आपका जो है बिठा आपको जो है आपको वो वेट कराती हैं देन वो किसी और कस्टमर को पकड़ लेती हैं और फिर इस तरह से काफ़ी रश भी वो बढ़ जाता है अच्छा होता यह था कि शादी से पहले जो है मैं मेहंदी लगा दिया करती थी अपनी फैमिली में अपनी अम्मी भाभी बाजी के बाजी मेरे पास आती थी मेहंदी लगवाने के लिए लेकिन अभी जो है मैं अपने घर नहीं गई और ये हुआ कि मैं अपनी दोस्त के पास आ गई मेहंदी लगवाने के लिए क्योंकि मुझे दोनों हाथ में भी लगवानी थी और अपने पैरों में भी लगवानी थी वहाँ मेरे कौन लगाता है इसलिए और मेहंदी लगाना जो है ना घर में बस मुझे ही आती है मतलब ये क्या मेरे घर में बस मुझे मेहंदी खाना आती है अच्छा जी यहाँ पर जो, जो है ना एक हाथ में मैंने लिखवाया ईद मुबारक और आप सबको जो है ना चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो ईद मुबारक भी हो तो ईद का भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि जो है ना शादी के बाद मेरी फर्स्ट ईद है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आप लोग भी जो है ना मुझे कमेंट्स में दुआओं में याद रखिएगा तो ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगी और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा दूसरा ये कि इस साल और इस तरह की मेहंदी किस किस ने लगवाई है मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइएगा क्योंकि जो है ये वाली मैंने अपने दोस्त से बोला यार मुझे ना वो चांद सितारों वाली मेहंदी चाहिए ये देना तो उसने फिर मेरे ये लगाया और मुझे इतनी ज़्यादा कोई पसंद आई ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ उसने कहा कि यार वो वाली मेहंदी से ज़्यादा अच्छी ये वाली लग रही है जो तुमने चांद वाली बनवाई है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी है इसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर मैंने बोला यार मेरे थोड़े तो से फ्रंट हैंड पे भी लगा दो उसने जो है ना फ्रंट हैंड पे भी लगा दी थी और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला यार अब मुझे घर भी जाना है और पैरों में मेहंदी जो लगी थी वो सूख गई थी और ये जो है ना मेरी दोस्त अपने हाथ दिखा रहे हो कह रही है यार देखो मेहंदी आर्टिस्ट के हाथ और जो मेहंदी लगवाते हैं उनके हाथ दरअसल होता यूँ ही है कि जो है जो मेहंदी लगा रहा होता है ना उसके हाथ पे में बेचारे की मेहंदी नहीं लग पा रही होती और हाथ उल्टा और जो है ना गंदे हुए हुए होते हैं क्योंकि वो मेहंदी लगा लगा के हो जाते हैं तो और भी लोग आ रहे थे मेहंदी लगाने के लिए और भी लेडीज़ आ रही थी मेहंदी लगवाने के लिए तो यहाँ तो खैर मैं फ्री हो गई थी और फ्री होने के बाद जो है ना मैं अपने घर आई और घर आते आते जो है मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है तो उन्होंने जो है ना फिर रास्ते से बिरयानी भी दिला दी थी तो खैर अब मैं जो है बिरयानी खाऊंगी और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड मुझे खिला रहे थे वो कह रहे थे कि आपकी मेहंदी लगी हुई है तो आप जो है आराम से बैठो तो खैर इसके बाद जो है मुझे फिर घर के कामों में लगना था क्योंकि मुझे आते आते काफ़ी लेट हो गया था तकरीबन मैं आई हूँ बारह एक बजे तक आई हूँ और खाना वाना खा के अब मुझे जो है ना तकरीबन सारे काम निपटाने थे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने अपनी बेड चेंज करी जो कि अम्मी ने मुझे ईद पर दी थी ना बेडशीट आप लोगों को दिखाई भी थी तभी तो वो मैं ईद पर यही वाली बेडशीट बिछाऊंगी ये बहुत ही कोई खूबसूरत बेडशीट है जो कि मुझे अम्मी ने ईद पर दी ईद ही पर दी थी तो ये वाली बिछाऊंगी और यहाँ पर हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हाथ बटा दिया करते हैं ना तो इस तरह से बड़ा हेल्प हो जाती है अल्लाह का शुक्र है तो जल्दी जल जल्दी इस तरह से काम हो जाते हैं फिर उसके बाद जो है मुझे और भी तमाम काम थे तो मैंने कहा था थोड़ा सा हाथ बटवा दें ताकि जल्दी जल जल जल्दी मैं फ़्री हो जाऊं और फिर सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने भी जाना है मेरे हस्बैंड को इसके बाद क्या हुआ कि मैं झाड़ू पोछा लगाने खड़ी हो गई थी और क्योंकि वाले काम भी करने थे मेरा मैं सुबह नहीं करूँगी मैं सुबह जो है ना बस तैयार होंगी उठ कर तो मैं सारे काम जो है ना अभी करके सोऊँगी मीनस के जो है ना झाड़ू पोचा अपने और बेड शीट चेंज करनी है या कोई भी तमाम सुबह के जो भी काम होते हैं ना मैं वो रात में करके सो जाऊँगी बस सुबह उठूँगी और फ्रेश होकर तैयार होकर और फिर अपने ससुराल जाऊँगी दैन जो है रात को अम्मी के घर पर दावत है और मैं वहाँ जाऊँगी तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने पैरों में जो मेहंदी लगाई थी ना और हाथों में जो मेहंदी लगी हुई थी वो झड़ रही थी और झड़ने के बाद कुछ इस तरह से सूरत हाल हुई कि जो है कमरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था तो यहाँ पर मैंने फिर अपनी सारी तमाम मेहंदी को झाड़ा अच्छे से और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने खड़ी हो गई हूँ तो कमरे में इतना ज़्यादा कोई गंदा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों से सफ़ाई नहीं हुई यहाँ तक कि सफ़ाई डेली होती है और पोचा भी डेली लगता है लेकिन बस ये है कि हैदराबाद में मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और बस काम ऐसे ही चलते रहते हैं ये डेली के काम होते हैं और डेली ही करने होते हैं और डेली में ऐसे ही मतलब घर ऐसे ही हो रहा होता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है लेकिन खैर घर साफ़ सुथरा किया अच्छे से झाड़ू पोछा किया और घर क्लीन करने के बाद सुकून से जो है ना मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ पहले मैं मार गई थी तो वहाँ से मैं दूध जो है ना ये डब्बा लेकर आ गई थी और इसके बाद जो है ना मैं इस को और पर्स को अच्छे से जो है बॉयल कर लूँगी और मैं जो है वो रेडीमेड जो शीर खौरमा होता है ना मैं वही बनाऊंगी वैसे आम दिनों में मुझे ये वाला शीर खौरमा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मैं कभी भी मुझसे कोई पूछता है ना कि मीठे में क्या बनाई या मीठे में क्या खाओगी तो मैं बोलती हूँ यार शीर खरमा बना लो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली ना मुझे खीर से ज़्यादा शीर खौरमा अच्छा लगता है पता नहीं क्यों अच्छा ये शीर ख़ौरमा जो होता है ना ये गर्म भी अच्छा लग रहा होता है और ये ठंडा भी अच्छा लग रहा होता है ये दोनों सूरत हाल में बड़ा मज़े का लग रहा होता है खैर आप लोगों को मीठे में क्या पसंद है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा और शिर ख़रमा किस चीज़ को अच्छा लगता है ये भी बताएगा तो ये है और यहाँ पर जो ना मैं शेर खरमा बना रही हूँ सुबह के लिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ वैसे तो मैं तो इसको बनाकर जो है ना मैं अच्छे से ठंडा करके और फिर फ्रिज में मतलब फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए दैन उसके बाद जो है ना इसको सुपर उठी कर मैं ससुराल लेकर जाऊँगी और सबको मुँह मीठा कराऊँगी और फिर देखते हैं क्या होता है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो यहाँ पर जो है ना खैर अभी फ़िलहाल शीर खोनमा बन रहा है और फिर उसके बाद तमाम मुझे सारे काम कर लेने थे क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना मैं एक साथ छेड़ कर बैठी हुई थी तो मैंने ना इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ उसके बाद मुझे जो है ना कपड़े भी बिस््री करने थे फिर ये हुआ कि तकरीबन रात के तीन से चार बज रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सबसे पहले तो मैं मार्ट गई फिर मार्ट में जाके ना काफ़ी ज़्यादा घूमे फिर तकरीबन दो घंटे तो वहीं लग गए होंगे फिर वहाँ से निकलते निकलते बाहर ज़ाहिर है ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था फिर अपने दोस्त के गई मेहनती लगवाई वहाँ पर भी टाइम लग गया फिर खाना खाया आकर और थोड़ा सा बैठी तो फिर ये हुआ कि जो है ना बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला बस मैं घर के कामों में लग गई शादी से पहले इन बातों का और इन कामों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था मीन्स ये होता था कि मुझे या तो मेहंदी लगानी होती थी या तो मेहंदी लगवानी होती थी बस ये दो काम की टेंशन होती थी और कुछ भी नहीं और कपड़े प्रेस करने का सारा जो होता था वो मैं अपनी अम्मी को देती थी क्योंकि मुझे कपड़े जला जलने का ना बड़ा डर होता था लेकिन अभी ये है कि अलहमदिल्ला मैं सब कुछ कर ही लेती हूँ और भले जो है अगर डर लगता है तो मैं स्टेम आयरन से कर लेती हूँ और अगर मुझे डर नहीं होता तो फिर मैं आयरन से ही मतलब प्रेस कर लेती हूँ अपने कपड़े खैर यहाँ पर जो है ना शीर ख़र बन चुका है है और इसको अब जो है ना मैं निकाल के अच्छे से और ठंडा करूँगी देन ठंडा करने के बाद थोड़ा सा आ, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा ना उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख कर अच्छे से ठंडा कर दूँगी तो उसको दोनों सूरत हाल में खा सकते हैं ये बहुत मज़े का लगता है तो खैर मैं क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी कि मुझे बस तैयार होना होता था और बस मेहंदी लगाने की और बस जो है इन्हीं चीज़ों की हो रही होती थी खैर लेकिन वक़्त वक्त की बात होती करना पड़ता है और कर भी रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी सबसे पहले और अभी तक जो है ना मेरे कपड़े भी मैंने प्रेस नहीं करे मैंने चलो अब मैं जो है उठूंगी तभी कर लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकन भी हो रही थी मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मुझे ये टाइम हो गया तो लेटते लेटते और जब मैं लेट ही हूँ ना तो बस मैं बस ऐसा लगा था मैं बस फ़ोन सो हो जाऊँगी तो खेर आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जैसे ही ईद की वीडियो व्लॉग अपलोड होगा तो आप लोगों को जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथ साथ में ना मुझे दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और क्या अला हाफिज खुदाफ़ि आप सबको मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक चांद रात मुबारक अल्लाह हाफिज़ बाय बाय